नमस्कार, स्वागत है आपका ENN भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। भारतीय जनमानस में गंगा नदी के प्रति असीम आदर और सम्मान है। गंगा नदी को माँ का दर्जा प्राप्त है और यहाँ तक मान्यता है कि गंगा नदी में खड़े होकर अगर कोई व्यक्ति किसी बात की पुष्टि करता है या बोलता है तो वो झूठ नहीं बोल सकता है, खास करके सनातन धर्म के मानने वाले तो कदापि नहीं, क्योंकि इस धर्म में हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाने की परंपरा भी है। लेकिन अपने आप को सनातन धर्म के सबसे बड़े रक्षक होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति की हाल फिलहाल की कुछ बातें हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। आप खुद तय कीजिएगा कि क्या यह सनातन धर्म का सम्मान करते हैं, क्या इनके मन में माँ गंगा के लिए थोड़ी सी भी इज्जत है। इसका फैसला आप खुद कीजिए, उसके लिए आप यह वीडियो देखिए। गंगा नदी में एक नाव पर यह सवार है, आप इसे छोटा जहाज भी कह सकते हैं। पेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी हाल है जी, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा है। तो आप कह रहे हैं मुसलमान अलग था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला मैंने अलग था? मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है, मैंने कहा है कि भाई आप उतने बच्चे हो जिसका आप लालन पालन कर सको, सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा, आपको उनके वोट की चाहत है? मैं ये मानता हूँ कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प। ये इंटरव्यू वाराणसी के एक घाट पर लिया गया है जिसमें मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं किया, कभी मुसलमानों के लिए गलत बातें नहीं की। तो अब जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये बयान सुनिए जो उन्होंने राजस्थान के बांसवाड़ा में दिया था। देंगे, और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। तो मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस कहती है कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है और ये लोग देश की संपत्ति का बंटवारा करके घुसपैठियों और ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को बांट देंगे। इस बयान के बावजूद मोदी जी गंगा में खड़े होकर झूठ बोलते हैं कि उन्होंने कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं किया। ठीक है मोदी जी, मान लेते हैं कि आपने ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली बात मुसलमानों के लिए नहीं की, हिंदुओं में भी ज्यादा बच्चे होते हैं, लेकिन आपकी नजर में घुसपैठिया कौन है? क्या ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हिंदुओं को आप घुसपैठिया बोल रहे हैं, या फिर जो CAA के तहत भारत में आए हैं उन्हें आप घुसपैठिया बुला रहे हैं? मोदी जी, 10 सालों से देश में आपकी सरकार है, BSF भी आपकी है, तो आपने फिर इन घुसपैठियों को देश में आने से क्यों नहीं रोका? चलो कांग्रेस के समय में घुसपैठिए देश में आए तो आपकी सरकार ने उन्हें देश से बाहर क्यों नहीं निकाल फेंका? बांसवाड़ा के बयान में साफ दिख रहा है कि PM मोदी का बयान देश की माइनॉरिटीज के लिए था, मुसलमानों के लिए था, लेकिन फिर भी मोदी जी गंगा में खड़े होकर साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। कहते हैं कि जिस दिन मैंने हिंदू मुसलमान किया उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं रहूंगा। ठीक है, ये भी मान लेते हैं, लेकिन लगता है कि शायद मोदी जी अपनी ही कही गई बातों को भूल जाते हैं, क्योंकि वो एक दिन पहले ही ऐसे बयान देते हैं और फिर दूसरे दिन ही मुसलमानों के खिलाफ बयान देने लग जाते हैं। क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश के बजट का 15% मुसलमानों को देना चाहती थी। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। तब भाजपा के जबरदस्त विरोध के बाद ये कामयाब नहीं हो पाए थे। अब प्रधानमंत्री के गृह मंत्री अमित शाह का कलकत्ता वाला बयान भी सुनिए। मुल्ला, मदरसा और माफिया का नारा आज बंगाल में जमीन पर उतर गया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, इमाम को, मुल्लाओं को बंगाल की तिजोरी से तनख्वाह देनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए। हाईकोर्ट ने ना बोल दिया,
ममता दीदी ने वक्फ बोर्ड से देने का काम। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं और दूसरी तरफ उनके ही खास मंत्री अमित शाह मुसलमानों को मुल्ला कहकर बुलाते हैं, मदरसों की बातें करते हैं। क्या ये हिंदू मुसलमान नहीं है या फिर प्रधानमंत्री जी का अपने गृह मंत्री पर कोई कंट्रोल नहीं है? क्या गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी की बात नहीं सुनते हैं या फिर हो सकता है कि ये बयान एक तयशुदा प्लान के तहत दिए जा रहे हैं और इसका फैसला आप खुद करें। वीडियो पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।